ये आधार कार्ड और ये बस और कुछ नहीं तो हम लोग एफआईआर नहीं करते। ये अंदर जा चुका था इसलिए किए पोस्ट। ये बताओ तुम किसकी जगह परीक्षा देने आए हो? सागर राय। बोलो सागर राय। ये लड़का है यही है जी? यही है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हो तुम? भागलपुर। तुम्हारा क्या नाम है? अमित चौधरी। पिता का नाम? राजीव चौधरी। पता? पता गोरपिठिया मानिकपुर भागलपुर। कितने में इससे सौदा हुआ था तुम्हारा? अभी बोले थे 15-20 हज़ार एग्जाम देने का, अभी दिया नहीं, देने के बाद निकलने के बाद मिलता, उसके बाद 1 लाख बोले थे। 1 लाख? जी। 1 लाख रुपए में बात हुई। चलिए ऐसे बात करें। ये दे रहा था ना? तुम्हारा नाम बताओ? पिंटू मिद्दा। पूरा नाम बताओ? पिंटू मिद्दा। पिता का नाम? औषित मिद्दा। निवासी? रोथीपुर। पूरा बताओ, रोथीपुर और बताओ। डिस्ट्रिक्ट जिला पश्चिम मेदिनीपुर। इधर देख, इधर मोबाइल। स्टेट कौन सा स्टेट? वेस्ट बंगाल। इनकी जगह परीक्षा दे रहे थे तुम? हाँ। आपका नाम? संदीप कुमार। पिता का नाम? कृष्णनंदन। कितने में इनसे बात हुई थी? बात उससे बात किया था, वो पैसा का बारे में। इसी से बात हुई थी? इससे बात हुई थी। सबसे बड़ा ये है मीडिएटर, मेन यही है। ये तुम कल भी तो आए थे? नहीं सर, आज हम 16 तारीख को आए थे। नहीं सर, हम इसको देख रहे हैं। हम इसको देख रहे हैं बनारस। नहीं नहीं, चेहरा हम भी देख रहे हैं सर, इसका चेहरा मिल रहा है इसका। इसका कितने में बात हुआ था सर? पैसा नहीं बात हुई सर, ये बोल रहा था क्या करा? 1 लाख हमको इससे बात हुई बस सर, कुछ बात नहीं, पैसा नहीं, इससे हमको बात हुई। दे तो वही बात था सर, उसको भी उतना ही मिल पाया। बता 15-20 हज़ार 1 लाख रुपए तय होने पे। हेलो, वो लड़का सही बोल रहा है जी सर, आप वही बता। 1 लाख रुपए में दोनों के परीक्षा देने की बात हुई है ना? हाँ। ठीक। विकास कुमार सर, किस तरह का आपके स्कूल में परीक्षा चल रहा था? ऑनलाइन एग्जाम। क्या चीज का था? इस समय रेलवे ग्रुप डी की चल रही है। तो आज जो 4 बच्चे पकड़ाए हैं वो कहाँ के थे और क्यों पकड़े गए? वो पटना के निवासी हैं और वो दूसरे की जगह परीक्षा देने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हम लोगों ने गेट पे पकड़ लिया। तो उसके लिए आप लोगों ने आगे क्या कदम उठाया? हमने पुलिस को उनको दे दिया है। अब पुलिस ने जो किया, हमने एप्लीकेशन लिख के दे दिया उनको एफआईआर के लिए। वो गलत तरीके से परीक्षा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसको हम लोगों ने रोका है। तो क्या इसके पहले भी कोई ऐसी वारदात हुई? बिल्कुल, इस परीक्षा में रेलवे की ही परीक्षा सितंबर में चल रही थी, उसके पहले भी 5-6 कैंडिडेट पकड़े गए। तो इस तरह से जो घटनाएं होती हैं तो उसके लिए कोई खास, जैसे कुछ कैमरा वगैरह लगा हुआ है आपके? बिल्कुल, हम लोग के यहाँ पूरे सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। और प्लस अंदर एग्ज़ाम में बैठने के लिए कम से कम 6 जगह हम लोगों की चेकिंग होती है। पहले ही पॉइंट पे चेकिंग के दौरान ये पकड़ाए हैं। पहले पॉइंट पे? हाँ, फर्स्ट पॉइंट पे पकड़ाए। तो आपने जो है तहरीर दे दी है थाने पे? बिल्कुल बिल्कुल।